था क्योंकि G9 जो है टीम NFT के साथ फाइट लेते हुए कोल्डी को भी नॉक कर दिया है G9 ने NFT के, एंड मेजर फाइट्स यहां पे चल रही है टीम RRQ का, एंड यहां पे अर्नी G9 ने हील करते हुए, एंड यहां पे देख सकते हो टीम RRQ पुश करती हुई टीम NFT की तरफ। लिक्विड और पपोए दोनों बंदे बच्चे हैं उनके टीम से, बट टीम RRQ की पूरी स्क्वाड जो है अभी तक जिंदा, एंड मेडकिट लगाते हुए G9 यहां पे पुश करेंगे टीम NFT की तरफ, एंड पपोए अपने जो टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहां पे रिवाइव भी मिल चुका है टीम NFT यहां पे धीरे धीरे रीसेट कर जाएंगी। ड्रॉट ने यहां पे पर्पल मूड के सीजी को नॉक कर दिया, एंड यहां पे आप देख सकते हो नेड्स की बारिश किस तरह से हुई है, एंड यहां पे अर्नी को मिल चुका है 2 kills, एंड D2E को मिल चुका है 1 kill, एंड आई थिंक NFT के लिक्विड आई थिंक अकेले बचे हैं, एंड देखना यह रहेगा टीम RRQ के साथ कैसे डील करते हैं, एंड यहां पे G9 जो है एक अच्छा रोटेशन मार चुके हैं, एंड टीम NFT इज गोइंग टू गेट वाइप्ड आउट। तो यहां पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिल रहा है टीम RRQ की तरफ से। फाइनली टीम RRQ जो है मोमेंटम पकड़ रही है, फाइनली वो पेस जो है वो पकड़ रही है, क्योंकि यहां पे फाइट आउट अरे पॉन्सी ने वहां पे गीक को जो है फिनिश कर दिया है, एंड यहां पे आप देख सकते हो टीम VIP भी फाइट ले रही है, यहां पे आप देख सकते हो डार्ली के जस्ट पीछे यहां पे टीम RRQ की स्क्वाड भी है, एंड यहां पे G9 ने बॉक्स के लोकी को नॉक कर दिया है, एंड बॉक्स के लोकी को G9 फिनिश भी कर देंगे। तो नाउ टीम RRQ को जो है मोमेंटम मिल चुका है, उनको वो जो चाहिए था जो यू नो मोराल वो उनको मिल चुका है। अभी पूरा अग्रेशन दिखाती हुई टीम RRQ आया कि टीम RRQ जो है जोन के अंदर कैसे जाती है, एंड रॉडफियर्ड ने वहां पे पर्पल मूड के जूम्स को फिनिश कर दिया। तो टीम मेगा जो है बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट खेल रही है, एंड डार्ली को यहां पे G9 का बहुत ही प्यारा नॉक आता हुआ, तो G9 का यहां पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है, एंड यहां पे डार्ली को आई थिंक फिनिश भी कर देंगे। ड्रॉट ने वहां पे मेगा के पॉन्जी को नॉक किया, एंड G9 ने यहां पे डार्ली को फिनिश कर दिया। RK के काउस ने वहां पे मेगा ऑनलाइन 24 को नॉक किया, रॉडियट ने वहां पे ड्रॉट को नॉक किया, एंड टीम रीपर किलर्स ने यहां पे टीम मेगास कॉन्करर्स को भी डाउन कर चुके हैं। तो यहां पे टीम ऑरेंज और टीम RRQ दोनों टीम्स बची है जो कि एक टॉप पोजीशन पे खेल रही है। तो यहां पे टीम ऑरेंज जो एक अच्छा कमबैक दिखाते हुए, एंड यहां पे फॉक्सी ने RK के हिन को नॉक किया है, एंड सीनियर ने यहां पे याकुजा को जो है व्हीकल एक्सप्लोजन से जो है फिनिश कर दिया। अभी टीम RRQ धीरे धीरे टीम नंबर 16 की तरफ पुश इन करती हुई, एंड इनके जस्ट बगल में टीम नंबर 5 D2E को इन्होंने स्पॉट कर दिया FFQ के F1 ने, एंड यहां पे अर्नी का जो है पुश आते हुए, एंड F1 को भी नॉक कर दिया, F1 ने इनको भी नॉक कर दिया, बट यहां पे काउंटर नॉक मिलता हुआ सीनियर की तरफ से F1 की तरफ। अभी टीम RRQ के प्लेयर्स को रिवाइव करना है, उनको सीनियर भी नॉक हो चुके हैं, एंड अभी जब चोक कर चुके पूरी की पूरी RRQ, अभी G9 अकेले बचे, जोन काफी छोटा हो चुका है, अभी प्रायोरिटी आम हो रहे है ताकि यहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड यहां पे ह्यूल का और एक नेड आता हुआ, क्या यहां पे D2E को नॉक कर पाएंगे? नहीं, एंड यहां पे टीम RRQ का पुश आता हुआ VIP के ह्यूल की तरफ, एंड फुल 4-man पुश है, एंड यहां पे नॉक करते हुए बहुत ही प्यारा D2E ने यहां पे ह्यूल को नॉक करके फिनिश कर दिया। इनके पास कवर भी था, एंड यहां पे आई थिंक जंपर भी नॉक हो चुके हैं, G9 का ह्यूल की तरफ फिनिश, एंड स्टॉकर ने वहां पे जंपर को नॉक किया है, एंड ऑरेंज के स्टॉकर और टीम यहां पे FFQ के बकी को यहां पे अर्नी ने स्पॉट कर रखा है। तो यहां पे इनके ऊपर शॉट्स लेंगे, एंड यहां पे बहुत ही बेहतरीन फिनिश। तो टीम RRQ यहां पे ऑलरेडी 13 kills यहां पे निकालते यू नो 1 position, अगर यहां पे टीम ऑरेंज स्पोर्ट्स को यहां पे वाइप आउट कर देती है, एंड आई थिंक जगेट को भी स्पॉट कर लिया, एंड जगेट के ऊपर स्प्रे करते हुए जगेट को भी फिनिश कर दिया है RRQ के अर्नी ने। नाउ इट्स अ बैटल बिटवीन द जायंट्स, टीम ऑरेंज वर्सेस टीम RRQ, 4-3 सिचुएशन है। क्या काफी अच्छे किल्स निकाल रखे, 14 kills यहां पे निकाल रखे होंगे, क्या यहां पे और 3 kills निकाल के यहां पे चिकन डिनर सिक्योर कर लेगी? G9 का यहां पे नॉक आते हुए ऑरेंज के फायर की तरफ, यहां पे पुश करती हुई टीम RRQ, ये देखना रहेगा कितना हद तक यहां पे सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्या D2E पीछे से कवर फायर दे रहे हैं, अर्नी और G9 थोड़ा आगे होके खेल रहे हैं। तो यहां पे टीम RRQ का स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, हाउ आर दे गोइंग टू रोटेट, क्योंकि यहां पे टीम ऑरेंज काफी ट्रबल में है ऑलरेडी, एंड आप देख सकते हो यहां पे दे आर इन अ लॉट ऑफ लॉस, एंड ऑलरेडी अपने एक प्लेयर को जो है गवा दिए, एंड यहां पे पोफ पोफ भी बहुत डैमेज ले रहे हैं। स्टॉकर आई थिंक नॉक हो जाएंगे जोन से, एंड पोफ पोफ भी आई थिंक जोन से नॉक हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली जो है अपना किल्स नहीं देना चाहेंगे। इसी के साथ टीम RRQ जो है चिकन डिनर ले लिए, एंड विल शूट देमसेल्व्स राइट इन द टॉप स्पॉट। आज टीम RRQ का जो बैक यू नो कम बैक हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड बहुत ही क्लेवर डिसीजन बाय टीम ऑरेंज इनटू नॉट गिविंग अप दोस किल्स, उनको वेरी एसेंशियल 2 points डिनाई कर दिया।